ये आ गया मैं अटल टनल से बाहर, और भाई यहाँ भी चल रही है बारिश। यहाँ से मुझे डिसीजन लेना है कहाँ जाऊँ, तो मुझे जाना पड़ेगा राइट साइड में। मैं जाऊँगा दिल्ली वाला रूट में। अभी मैं जस्ट पार्क कर गया सोलंग वैली। सोलंग वैली तो सबको पता है, जो जो मनाली आए हैं यहाँ पे सब एडवेंचर एक्टिविटी वगैरह ये सब होता रहता है, पैराग्लाइडिंग और फिर स्कीइंग विंटर का टाइम में यही सब एक्टिविटी होता है। तो रात में अब कितना बज रहा है, करीब 2 बज रहा है और इस टाइम सोलंग वैली सब अजीब अजीब हो रहा है आज। चलो यार, ये बादल पीछे नहीं छोड़ रहा है, ऊपर फिर से वही काला बादल हो रखा है। एक्चुअली ना मनाली से जल्दी भाग जाना पड़ेगा मुझे जितना लग रहा है। ये बादल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बहुत गंदा सा बादल हो रखा है ऊपर। बट इसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी बज रहा है रात का 2:15, तो ये एक, अरे भाई सब कहाँ से कितने कुछ आ गया, चलो कोई नहीं। तो अब ये कहानी है कि इसके बाद क्या करेंगे। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा चलूँगा जहाँ तक जा पाऊँ। और उसके बाद बाप रे बहुत सारे हैं, और उसके बाद जब बहुत थकान लगेगा तब कोई होटल देख के रेस्ट ले लूँगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन राइडर देवान जी। तो आज है एक और ब्लॉग, और ये है हटके। एक्चुअली हटके बोलूँ तो मेरा पिछला ब्लॉग भी काफ़ी हटके था, तो ये भी हो गया हटके। अब इसमें क्या है, देखिए अभी बज रहा है रात का 2:30 और मैं निकला हूँ मनाली से। यही है मनाली का रोड, ये बार के बाद ऐसा ही हो गया था। तो मनाली से निकला हूँ 2:30 और मेरा डेस्टिनेशन है दिल्ली। अब इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि देखिए ऐसा तो नहीं कि मैं अभी मनाली से निकला हूँ, पीछे मैं आ रहा हूँ चंद्रताल से। चंद्रताल से मैं एक्चुअली निकला हूँ रात में 9:00, उसके बाद मैं पहुँचा मनाली और अभी मनाली से जा रहा हूँ घर के तरफ, मतलब दिल्ली। तो ये मुझे अभी तक ब्लॉग तो शुरू किया, लेकिन मुझे पता नहीं कि इसको मैं कंटिन्यू करूँगा कि कहीं पे ब्रेक लेके, मतलब आराम से होटल वोटल लेके सो जाऊँगा। तो देखते हैं जो भी होगा, देखिए शरीर जो भी डिमांड करेगा वही करेंगे। और रोड का तो भाई एक्चुअली पीछे जो मैं रोड देख के आया उसके बाद ये रोड तो कुछ भी नहीं लग रहा है, ये तो बात है। कंपैरिजन में देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब ये भी बहुत अजीब टाइम है, रात में 2:30 कौन मनाली से दिल्ली की तरफ जाता है। बट चलिए हम लोग जाएंगे और कुछ करेंगे। तो यहाँ से टाइम दिखा रहा है 9:30 दिल्ली के लिए। ओ भाई यहाँ भी थोड़ा बहुत ख़राब तो है, ऐसा नहीं। देखिए और एक फ़ायदा क्या है पता है, इस टाइम में आ रहा हूँ, इसमें ट्रैफिक जाम जरूर लगता होगा पीक टाइम में, क्योंकि इतना टूटा फूटा रास्ता है। हाँ तो जो मैं बोल रहा था 9:30 लगेगा यहाँ से दिल्ली, तो अब कैलकुलेट कीजिए कितने बजे पहुँचूँगा, 3:30 और 9:12, तो 12:00 तक
हम लोग पहुंचेंगे दिल्ली, ऐसा मैप में दिखा रहा है। अब इस मैप को कितना भरोसा कर सकते हैं ये पता नहीं, क्योंकि आगे मुझे जितना पता है ये कुल्लू और मंडी इस वाला जो पैच है इसमें बहुत दुर्दशा है रोड का। एक फ़ायदा हमारा यही रहेगा ये बिल्कुल ऑड टाइम में निकलने का, क्योंकि इस टाइम में ट्रैफिक वाफिक कुछ मिलेगा नहीं, तो जैम में तो फंसूंगा नहीं कम से कम, इतना पता है मुझे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या होता है आज हमारे साथ। तो अब पार कर रहा हूँ कुल्लू शहर, जो कि फेमस है शॉल के लिए और एडवेंचर एक्टिविटी। एडवेंचर मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होता है रिवर राफ्टिंग, तो वाटर स्पोर्ट्स उसके लिए फेमस है और शॉल के लिए। तो वही कुल्लू पार कर रहा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 2:50। सही है, 20 मिनट में हमने मनाली से कुल्लू का रास्ता तैयार कर लिया। ऐसा ऐसा चीज़ दिखा दिया ना इस बार कि क्या बताऊँ। सो कुल्लू को बाय बाय। अब मैं सुना था कि कुल्लू और मंडी का बीच में ये रास्ता ही सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है, तो अभी उसी जो स्ट्रेच है ना उसी पे हम चल रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन अभी तक तो काफ़ी साफ कर दिया होगा। 2 महीना तक कोई बस वॉल्वो ये सब बंद हो गया था पूरा एकदम। यहाँ इतना पानी कहाँ से गया जो ऊपर से आ रहा है? ये देखिए लैंडस्लाइड हुआ है, यहाँ भी हुआ है। एक लाइन एक लेन जो है ना लेफ्ट साइड वाला उसको पूरा दबा दिया है। मेरा जूते के अंदर जो सॉक्स है ना ऐसा गीला हो रखा है, लग रहा है कि जूते को खोल के ऊपर बांध दूं और सॉक्स पहन के गाड़ी चलाऊं तो जल्दी सूख जाएगा वो। यार पूरा एकदम गीला कर रखा है सारे होटल और रेस्टोरेंट, होटल एंड रेस्टोरेंट, ढाबा नो ढाबा। ढाबा ना से क्या 24 आवर्स कुछ ना कुछ मिल जाता है और थोड़ा आप चिल भी कर सकते हो। अगर खटिया वाला ढाबा हो तब तो और भी बल्ले बल्ले, उसमें आप 2 घंटा सो के भी जा सकते हो। यार मैं एक चीज़ बताऊँ, ये जो ऑक्सिलरी लाइट मैंने लगाया है ना इसको लगाने के बाद ना नाइट राइडिंग झिंगाला हो गया है। क्या लिखा है, किधर जाना है हमें? चंडीगढ़। ओके स्ट्रेट 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 एंड स्ट्रेट। आजकल मैप को क्या हो गया, गूगल मैप 3D टाइप का दे रहा है, ऐसा कैसे हो गया यार इतना हाईफाई? ओ रोड खराब। ओ ये देखो मैप देखो क्या खूबसूरत बना दिया मैप को, गूगल ने भी कुछ नया किया है। ओ 3D इफेक्ट दे दिया मैप में। यार ये वाला टनल तो बहुत लंबा है और ऊपर से देखो पूरा पानी भी टपक रहा है, इसको फिनिशिंग भी नहीं हुआ है ऐसे ही। बोले चलो काम तो चल रहा है, जाने देते हैं लोगों को, वो भी ठीक है। ये इसका अंत नहीं है क्या? मैं तो चला ही जा रहा हूँ। मेरे टनल को क्या लूप में डाल दिया है क्या, खत्म क्यों नहीं हो रहा है? यार ये क्या है, टनल खत्म हो गया कि क्या है? अच्छा हाँ खत्म ही हो गया। भाई ये कहाँ से निकल गया मैं पता नहीं, एक दुनिया से अंदर आया दूसरे दुनिया में निकल गया। ये जो मैं ठंडी के लिए इतना कुछ अंदर पहन रखा हूँ ना, एक कूली कट पहना हूँ, उसके बाद राइडिंग जैकेट का जो वार्मर रहता है वो पहना हूँ, उसके बाद राइडिंग जैकेट पहना हूँ, उसके बाद ये जो रेन कोट होता है वो पहना हूँ,
मतलब लेयर पे लेयर लगा के रखा हूँ, ठंडी घुसने नहीं देंगे। अरे भाई यहाँ भी बहुत सारा टूटा फूटा कहानियाँ, हंगामा बढ़ने से पहले ये सब जगह से निकल लो, नहीं तो फिर ट्रैफिक होगा, जैम लगेगा। रोड का ये पार्ट लग रहा है इंटरेस्टिंग होगा। मेन हाईवे का क्या हाल हुआ है, वाओ ये ऐसा रास्ता ना हो ना तो मजा नहीं आता है। देखो लग रहा है कितना जान पहचान वाला रास्ता, बट ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया मेरा सही में कि मैंने सोलो राइड में स्पीटी जो पूरा सर्किट है उसको कंप्लीट कर दिया। ग्रेट, वो भी कितने सारे प्रॉब्लम के साथ, खास करके लास्ट तो एकदम मुझे भरपूर भर भर के एडवेंचर दिया है, कोई कंजूसी नहीं, बोले लो भाई लो और एडवेंचर करना है कर लो। आ गया टनल, आगे लग रहा है मंडी चंडीगढ़ पठानकोट। हाँ ये वाला टनल ठीक था, पिछले वाला कैसा था, अनफिनिश्ड, जैसे का आधा काम करके काम करने वाला सब भाग गया, पैसा नहीं दिया। ये सही है, चमकता हुआ, वाह। अब ये कौन सा जगह पता नहीं, मंडी से पहले ही है लेकिन रोड बिल्कुल नहीं था वहाँ पे, और मैं ऑन कर नहीं पाया कैमरा क्योंकि उस टाइम में ऑन करूँगा तो मैं खुद ही गिरा पड़ा रहूँगा, एक हाथ से हैंडल उस टाइम में नहीं पकड़ सकते हैं, इसलिए मुझे बाद में कमेंट्री देना पड़ रहा है। भाई ये मंडी के पास ना रोड सही में बहुत ख़राब है, और कोई छोटा सा पैच नहीं, ये काफ़ी लंबा पैच है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह का बज रहा है 6 और मैं पार कर रहा हूँ सुंदर नगर। बाकी सुंदर है और यहाँ के लोग भी, मैं देख रहा था ये काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस भी है, बहुत लोग एकदम मॉर्निंग वॉकिंग में लगे हुए हैं। बीच में मैंने एक बंद पेट्रोल पंप में बाइक को रोका और उसके बाद
मेरा ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया, ये जो ऊपर चढ़ा रखा था ना विंटर के लिए इतना कुछ, अरे बाप रे, और झेला नहीं जा रहा था, सब कुछ निकाल दिया। और उसके बाद जब राइड करने लगा तो ठंड लगने लगा, फिर मैंने क्या किया कि ये जो रेन जैकेट है इसको पहन लिया, तो अभी ठीक है, कुछ देर बाद निकाल दूंगा। और ये सुंदर नगर ख़त्म होने के बाद ये पहाड़ भी टाटा कर देगा। अब इस गाड़ी वाले को क्या परेशानी है पता नहीं, उसका साइज मैं छोड़ के रखा हूँ फिर भी पैं 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 पैं। आज ये क्या ब्लॉग बना रहा हूँ, देखिए जहाँ पे कुछ दिखाई देता वो पूरा जगह मैंने अंधकार में काट पार कर दिया। एक्चुअली मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था इस टाइम में, हमें वहाँ से निकलने को कहा गया कि क्या करता मैं। अरे यार तू भी बीमार है क्या दिमाग, यही करता है, यही है जो न्यू रोड बना है भाया बिलासपुर मनाली के लिए, और इसमें काफ़ी सारे टनल्स भी है, तो ये डिस्टेंस को बहुत कम कर दिया है। अभी एक्चुअली दिल्ली से जो डिस्टेंस है मनाली का वो अराउंड जो मतलब पेपर में 9.3 आवर्स का है, जो पहले 12 घंटे तक था। रोड भी अच्छा बनाया, ये आ गया बिलासपुर, और लेफ्ट साइड में देखिए बिलासपुर लेक। चलिए और वहां से दिखाते हैं बिलासपुर लेक, नाम तो सुने होंगे, अब आंखों से देख लीजिए कैसा दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखना भूलिएगा मत। सॉरी बीच में कुछ जगह मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया, क्योंकि ये कैमरा जो है कल से चल रहा है, कल रात 9 बजे से, तो इसका बैटरी टोटली डाउन बैठ गया था। और फिर मैंने जहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था एक जगह पे रुका था चंडीगढ़ पार करने के बाद, वहाँ पे प्याज पराठा खाया और एक चाय, तो उसी टाइम इसको भी बैटरी में लगा के पीछे बॉक्स में डाल दिया था। अभी तो मुझे लग रहा है चार्ज हो गया होगा काफ़ी। और देखिए इसी बीच हम लोग कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं, इसके बाद आएगा कारनाल, फिर आएगा दिल्ली 160 किलोमीटर्स, और मेरा घर दिखा रहा है 168 किलोमीटर्स 3 hours 19 minutes, बट अभी हो गया हमारा कल से लेके 12 + 2 = 14 hours। हाँ उसमें बीच में ब्रेक है, मैं जहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था वहाँ पे करीब मैंने एक घंटा पूरा ब्रेक लिया, जिसमें से आधा घंटा मैं आग बंद करके दो चेयर लगा के लगभग सो गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ बताऊँगा बोल बोल के मैं एक्चुअली भूल रहा था, आप लोगों को बताना चाहिए, कल जब मैं स्नो में राइड कर रहा था, जब ऑलरेडी रोड में स्नो भर गया था, मतलब लेयर बन गया था पूरा, तो उसमें थोड़ा सा थिक लेयर बनने के बाद ये बाइक बहुत स्कीड कर रहा था, जो कि बाकी हिमालयन को देखा मैं वो इतना स्कीड नहीं कर रहा था। हाँ कर रहा था, कुछ कुछ का तो बहुत ज़्यादा किया है, पूरा घूम गया है, गिर गया है, ये भी हुआ है, बट मेरा क्या है बहुत फ्रिक्वेंटली स्कीड हो रहा था, तो मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे पहले लगा कि ये बाइक का टायर का गलती है, फिर मैं सोचा ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना कॉस्टली टायर इसमें मेटजिला का लगा हुआ है, और ऐसा भी नहीं कि बाइक का कोई प्रॉब्लम है कि वो बैलेंस ठीक नहीं है। अब तभी मुझे दिमाग में आया था कि इसमें एक्चुअली लगेज माउंटिंग है, तो लगेज माउंटिंग के साथ इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो चेंज हो गया था, जिसके कारण ये स्कीड कर रहा था बर्फ में। और भी जब डीपली सोचा तब मुझे लगा कि इसका जो ये हैंडल है, ये हैंडल एक्चुअली हल्का हो गया था, ये आज मुझे पता चला जब मैं एक जगह पे बिल्कुल बालू था, बालू के ऊपर मैं इसको चला रहा था, और इस सेम टाइप
इसका स्कीडिंग शुरू हो गया था। फिर मैंने क्या किया, मेरा बॉडी का जो वेट है उसको थोड़ा सा मैं आगे ले जाके इसके ऊपर हैंडल बार की तरफ बॉडी का प्रेशर दिया, तब देखा बाइक स्टेडी हो गया। मतलब इसका यही निकलता है, देखिए ये एक्चुअली है छोटी बाइक, कुछ भी हो, अब 750 मेरे पास जैसा था उसके जैसा हार्ले का उसके जैसा हेवी इंजन तो इसका है नहीं। तो जब पीछे एक टॉप बॉक्स लगा लेता हूँ मेटल का और उसमें जब सामान भर देता हूँ तो इसका ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत गड़बड़ा जाता है और इसका हैंडल थोड़ा लूज हो जाता है, जो कि सही नहीं है और इसीलिए ये डिसबैलेंस हो रहा था। तो ये एक सबक ले लिया, आइंदा कभी ऐसा सिचुएशन में अगर राइड करना पड़े और टॉप बॉक्स भी ज़रूरी है तो टॉप बॉक्स में मैं कुछ नहीं रखूँगा, एक दो सामान ही रखूँगा और बाकी सारा सामान मैं कहीं और शिफ्ट करूँगा और ख़ुद को थोड़ा सा आगे ले जाके इसमें बैठूँगा। तो वेट का वैसे डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा तो मुझे लगता है कि इसका जो हैंडलिंग है वैसा स्नो वाला सिचुएशन में या जब बालू वाला सिचुएशन हो जाएगा तो उसमें हैंडलिंग और भी बेटर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा कोई सिचुएशन में मैं गया तो फिर मैं इसको प्रैक्टिकली ट्राई करके आप लोगों को अपडेट दूंगा। हाँ तो ये हो गया मेरा जो पर्सनल एक एक्सपीरियंस है कि किस लिए मेरा इतना स्कीड हो रहा था उसके बारे में मैं आप लोगों को बताया। तो चलिए यार लेट नहीं करते हैं, आप लोग बहुत खुश रहिए, सुखी रहिए, फैमिली के साथ बिल्कुल एकदम क्वालिटी टाइम बिताइए और प्यार कीजिए एक दूसरे का। इसी के साथ इस ब्लॉग को और इस सफरनामा को यहीं पे अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी और भी कुछ लेके आप लोगों के पास आ पाऊँगा, डिपेंडिंग अपन टाइम एंड अपॉर्चुनिटी एंड एवरीथिंग। खैर जो भी हो कुछ ना कुछ तो होगा ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।